उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी से चोरी की एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो कि बेहद चौंकाने वाली है। आइए आपको पूरे मामले से अवगत कराते हैं। दरअसल हल्द्वानी कृष्ण कुंज निवासी डॉक्टर राहुल सिंह ने पुलिस को बताया कि वे पत्नी के साथ नैनीताल ठंडी सड़क स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने अपने घर पर काम करने के लिए कुमाऊं कॉलोनी दमुआ ढोंगा हल्द्वानी निवासी मधु को उसकी तंगहाली को देखते हुए नौकरी पर रखा था। उसका मासिक वेतन 3500 रुपए था, जिसको बाद में बढ़ा के 4500 रुपए कर दिया गया। वर्ष 2022 से उनके घर से कुछ धनराशि लगातार चोरी हो रही थी। छोटी धनराशि होने पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 22 जुलाई को अलमारी में 10 लाख रुपए रखे थे। 25 जुलाई को रुपए गिने तो 4,70,000 रुपए कम थे। आपको बता दें कि 3 सालों में उसने डॉक्टर के घर से 10,77,000 रुपए की चोरी कर दी। नौकरानी पर शक होने पर उन्होंने अलमारी में हैंडीकैम रिकॉर्डिंग मोड पर रख दिया। शनिवार को 7500 रुपए चोरी करते समय वह हैंडीकैम कैमरे से बेनकाब हो गई। हल्द्वानी पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया है कि महिला के पास 4,77,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने नौकरानी की बैंक डिटेल खंगाली तो उसमें 6 लाख रुपए जमा मिले। यह रकम डॉक्टर दंपति के घर से चोरी की है। पुलिस अब आरोपित का बैंक खाता फ्रीज करने की कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद से यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।